शायद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी बड़ी शख्सियत की मौत के बाद संदेहों और अनुमानों के आधार पर सोशल मीडिया में एक बड़ा ट्रायल चल रहा है और सबूतों के दावे पेश किए जा रहे हैं। 14 जून को सुशांत की सुसाइड की खबर जब सामने आई, तब से अब तक सुशांत के चाहने वालों के लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि सुशांत खुद को कैसे खत्म कर सकते हैं। वो सुशांत जो सपनों में जीते थे, चांद पर आशियाना बनाने का ख्वाब संजोते थे, अंतरिक्ष में घूमने का अरमान रखते थे, अपनी जिंदा दिली खुश मिजाजी के लिए जाने जाते थे, बॉलीवुड का वो चेहरा थे जिसकी ताजगी और सादगी लोगों को दीवाना बना जाती थी, फिर अचानक वो सुशांत, चुपचाप शांत रहने वाला सुशांत, कैसे एक फंदे को अपनी जिंदगी सौंप गया, मौत की बाहों में झूल गया। इन सवालों के शोर में सुशांत का परिवार आज जीने को मजबूर है। उन्हें ना तो सुशांत के सुसाइड की थ्योरी पर भरोसा है और ना ही मुंबई पुलिस के इस मामले की कार्रवाई पर। मुंबई पुलिस लगातार जांच का दायरा बढ़ाती जा रही है। अब तक 40 से ज्यादा बड़ी शख्सियतों से पूछताछ कर चुकी है, उसके बावजूद अब सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है। आखिर क्या वजह है कि सुशांत का अचानक से चले जाना लोगों को सुसाइड कम मर्डर ज्यादा लग रहा है? क्या ये भावावेग है जिसमें बहकर लोग सुशांत की मौत की वजह मर्डर मान रहे हैं, या फिर कुछ परिस्थिति जन्य साक्ष्य ऐसे वाकई हैं जो किसी दूसरी तरफ इशारा करते हैं? पहले सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस ही खुदकुशी को मर्डर बता रहे थे, तो उसके बाद बॉलीवुड से भी एक आवाज सामने आई। अभिनेत्री कंगना रनौत ने इसे नेपोटिज्म के तहत प्लान्ड मर्डर कहा, तो बीजेपी के बड़े नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी लगातार सुशांत की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और वो सवाल उठाते जा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ये मानते हैं कि सुशांत की खुदकुशी की कहानी में कहीं हत्या की साजिश किसी कोने में तो नहीं छुपी हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी सुशांत सिंह के सुसाइड नोट ना मिलने पर हैरान है। उनका कहना है कि जो शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी फोन कॉल में शादी की बात कर रहा हो, तो वो सुसाइड कैसे कर सकता है? सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे बड़ा सवाल ये उठाया है कि सुशांत के फ्लैट से सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी कैसे नहीं मिला। इतना ही नहीं, उन्होंने उस फंदे पर सवाल उठाया जिसके लिए कहा जाता है कि सुशांत ने फांसी के लिए इस्तेमाल किया। स्वामी कहते हैं कि सुशांत की कद काठी और फंदे की ऊंचाई जहां कई सवाल खड़े करती है, तो साथ ही उनके गले में बेल्ट के निशान भी मौजूद थे। सुशांत के कद और फंदे के कपड़े की जमीन से ऊंचाई पर सवाल उठाकर सुब्रमण्यम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, तो साथ ही साथ वो रूम से डुप्लीकेट चाबी के गायब होने की बात को भी एक असामान्य घटना मानते हैं। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी के सवालों के घेरे में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती कहीं नहीं है, लेकिन वो सुशांत के पिता की FIR में जरूर दर्ज है। रिया चक्रवर्ती पर आरोप गंभीर लगे हैं। सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने रिया के खिलाफ FIR में सुसाइड के लिए उकसाने और अमानत में खयानत की शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा भी रिया पर तमाम कई संगीन आरोप लगे हैं। उन आरोपों का जवाब दे पाना रिया के लिए इतना आसान नहीं होगा। शायद तभी वो चाहती है कि इस मामले की जांच सिर्फ मुंबई में हो। हालांकि इससे पहले खुद रिया ने ही ट्वीट कर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन अब रिया ने ही मामले की जांच मुंबई में होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। रिया ने बिहार पुलिस में दर्ज FIR को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने और बिहार पुलिस की जांच पर रोक लगाने की अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुशांत के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट याचिका दाखिल कर अपील की है कि रिया की ट्रांसफर याचिका पर कोई भी फैसला लेने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। सुशांत के परिवार के मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे कि मामले की जांच पटना हाई कोर्ट की निगरानी में हो। रिया पर आरोप बहुत सारे हैं, पैसा हड़पने से लेकर सुशांत को उनके दोस्तों और परिवार वालों से दूर करने तक के। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा बताया है। हालांकि उन्होंने ये माना है कि वो सुशांत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, तो ये भी कहा कि सुशांत डिप्रेशन में थे। लेकिन अब सुशांत की रिया के नाम से बनाई गई कंपनियों के बारे में खुलासा होने से मामले में नया एंगल आ गया है जिसकी जांच एजेंसियां करेंगी। सुशांत की रिया के नाम से बनाई हुई कंपनियां और उनमें रिया के भाई और पिता का डायरेक्टर होना जांच के दायरे में आ गया है। सुशांत की मौत से कुछ महीने ही पहले रिया ने कंपनी छोड़ दी थी। बताया जा रहा है कि सुशांत की मौत के तकरीबन 10 महीने पहले ये कंपनियां बनाई गई थी और अब कंपनियों के लेन देन पर सवाल उठ रहे हैं।
सुशांत के पिता ने 15 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया है, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने डिटेल्स मांगी है। सुशांत के परिवार को मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। मुंबई पुलिस अब तक इस मामले में नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के एंगल से जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने अब तक महेश भट्ट, संजय लीला भंसाली, मुकेश छाबड़ा और फिल्म क्रिटिक राजीव मसंद से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सुशांत के परिवार का आरोप है कि सुशांत के मामले में इस जांच का कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ा सवाल परिवार के लोगों ने ये उठाया है कि उन्होंने बांद्रा के डीसीपी को मैसेज भेजा था कि सुशांत की जान को रिया से खतरा है, तो फिर पुलिस ने उस शिकायत पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। सुशांत का परिवार अब बिहार पुलिस के हाथों रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी चाहता है। उधर मुंबई पहुंचने के बाद बिहार पुलिस ने सुशांत से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। बिहार पुलिस ने सुशांत के कुक, सुशांत की बहन, दोस्त के बयान रिकॉर्ड किए हैं, तो वह सुशांत की मौत को लेकर बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। तमाम सियासी दलों ने एक सुर में सीबीआई जांच की मांग की है, जहां बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर मुखर रहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीबीआई जांच की मांग की है, तो बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, जेडीयू नेता राजीव रंजन, शेखर सुमन, बिहार बीजेपी और बिहार कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के सीबीआई जांच से इनकार की वजह से अब सीबीआई पर भी सियासत तेज हो गई है। देखने वाली बात होगी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीबीआई जांच पर क्या कोई बड़ा फैसला लेंगे या फिर बिहार पुलिस की जांच किसी मुकाम तक पहुंच सकेगी।